guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the solution of those questions which are asked in the CSIR previous year question paper, that is 2015. And if you don't know about the various concept about the enzyme, please do watch my enzyme lecture series videos on an academy. You can follow me on an academy. You can see my enzyme lectures on an academy. Then please solve these questions. Then you will get to know how to solve these questions easily. Okay, you can follow me on an academy and you can join my Facebook group for further updates, and you can post your queries on Facebook too, and you can post your queries on the comment box recording this video. Thank you very much. Let's see what are those questions and how to solve them. CSIR examination, pehla question jo pucha gaya tha wo reaction rate se pucha gaya tha. Kya question hai? Question read kariye. Question is like ki enzymes accelerate a reaction by which of the following strategies. ठीक है, enzyme accelerate a reaction by which of the following? Decreasing the energy required to form the transition state. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है increasing kinetic energy of the in substrate, increasing the free energy difference between substrate and product. Fourth option is increasing the turnover number of enzymes. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आप इसको easily बता सकते थे, इसका ऑप्शन पहला सही होगा. अगर आपने वो नहीं देखा तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी रखा हुआ है. जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. ठीक है, आपने ग्राफ देखा है तो ग्राफ में क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी सबस्ट्रेट, किसी भी एंजाइम की, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करता है कौन? एंजाइम. इस डायग्राम को देखिए कि ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ, ये सबस्ट्रेट विथ का है एनर्जी प्रोफाइल जो कि विथ एंजाइम है, और सेकेंड वाला ग्राफ क्या है कि ये नो कैटलिस्ट, कोई भी एंजाइम यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स कैटलाइज रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड देयर बाई इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, मतलब कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जो रिक्वायर्ड होता है. तो पहला ऑप्शन भी तो यही है, डिक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट. ये जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए उसी को कम कर रहा है. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द CSIR जून 15. ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि इन द एक, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन ए कॉम्पनिंग फिगर रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ थ्री प्रोटीन्स ए बी सी इज प्रेजेंटेड. प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन यूज टू ऑब्टेन दिस डेटा, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 mg/ml है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 mg/ml है, सी का कॉन्सेंट्रेशन 2 mg/ml है. दिस इज द ग्राफ, सबस्ट्रेट वर्सेज एक्टिविटी का ग्राफ है. एक्टिविटी क्या है, कुछ बी की इस तरीके से है, ए का इस तरीके से, एंड सी का इस तरीके से. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैंने बताया था आपको कि हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक एक्टिविटी और कैटालिटिक इफिशियंसी. देन दे आस्क फॉर द इफ द कैटालिटिक इफिशियंसी इज डिफाइंड एज केकेट बाई के एम. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसमें किस तरीके से घुमाया. इन्होंने क्या किया, कैटालिटिक इफिशियंसी डिफाइंड एज बाई केकेट एंड के एम. आपको पता भी नहीं केकेट कहाँ दिया हुआ है, के एम कहाँ दिया हुआ है. ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे. लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी पहले मैं इससे पहले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि कैटालिटिक इफिशियंसी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक एक्टिविटी. ठीक है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी कैटालिटिक इफिशियंसी के दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक केकेट बाई के एम से, और दूसरा क्या होता है, एक्टिविटी डिवाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ एंजाइम इन एम जी. ठीक है, फॉर्मूला याद है कैटालिटिक इफिशियंसी और स्पेसिफिक एक्टिविटी का, एक्टिविटी डिवाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ एंजाइम इन एम जी. एम जी इज माइक्रोग्राम. ठीक है, सॉरी मिलीग्राम. ठीक है, तो मिलीग्राम उस, फिर आपको क्या करना है कि आप कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले से. लेट सी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. ए बी सी तीनों का अमाउंट दिया हुआ है 1 mg/ml, यहाँ पे ml होगा. ठीक है, ये ml है नॉट लीटर. 1 mg/ml, बी 4 mg/ml, सी 2 mg/ml. ये इनका क्या है, अमाउंट दिया हुआ है. एक्टिविटी भी गिवन है यहाँ पे, तो आपको सब मिल गया. स्पेसिफिक एक्टिविटी ए का निकालिए, 20
कैसे निकलेगा ये, यहाँ से आप करिए इसको, ये देखिए ए का जो पीक है वो ऑलमोस्ट किसके नियर जा रहा है, 20 के आसपास जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट 20 के आसपास, ठीक है। तो 20 अपॉन अमाउंट 1 एम जी, एम जी में ही दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कितना आ जाएगा 20 के आसपास। बी का देखिए स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ बी, ठीक है, बी की स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट 25 से ऊपर है, ये 30 के आसपास है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना ये 30 के आसपास जाएगा, 25 से ऊपर, ठीक है, तो 25 से ऊपर है, आप यहाँ पे देखिए, तो आप इसको क्या करेंगे, 30 मैंने 30 लिया है, 30 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 7.5, क्लियर है। सी की स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालिए, इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम क्या है, सी का ग्राफ देखिए पीक पॉइंट कहाँ से जाएगा, कुछ ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे करते हुए ग्राफ देखिए, ये 14 या 12 के आसपास आएगा, मैंने 12 लिया है या 14 भी ले लेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो 14 लिया आपने या 12 लिया, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी निकल गया। यू नो द स्पेसिफिक एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज कैटेलिटिक इफिशियंसी, ठीक है, जब आपको पता है कि कैटेलिटिक इफिशियंसी को ही स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं, तो इनको अरेंज कर दीजिए ऑर्डर में, 27.5 और 6, मतलब ए सबसे ज़्यादा होगा, देन बी, देन सी, ठीक है। हमेशा याद रखे रहिएगा कि कैटेलिटिक इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कौन सा कि आप के कैट बाई के एम से निकालें, दूसरा तरीका कौन सा होता है कि आप स्पेसिफिक एक्टिविटी निकाल लें एक्टिविटी डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एंजाइम करके, ठीक है, तो दोनों ही कैटेलिटिक इफिशियंसी होती हैं, ऑर्डर ए बी सी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर जिसको नहीं पता होता कि स्पेसिफिक एक्टिविटी को ही कैटेलिटिक इफिशियंसी कहते हैं तो इस क्वेश्चन को वो छोड़ देता, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और प्लीज़ एंजाइम्स के लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो अगर आपका कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा या आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरीज जो भी है वो आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे भी दे सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के नाम से है, वहाँ पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं आप अपना क्वेरीज या क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।